राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाएंगे गुरु परंपरा से जुड़े 4000 साधु संत। वयोवृद्ध और उम्रदराज साधु संतों को कार्यक्रम में नहीं आने की अपील। पीएम मोदी के चले जाने के बाद ही आमंत्रित लोग कर सकेंगे रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। सुरक्षा कारणों से आमंत्रित संत चवर छत्र चरण पादुका जैसे प्रतीक चिन्ह नहीं ले जा सकेंगे अपने साथ। विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाले हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर के नव निर्वाचित विधायक पार्वती दास ने शपथ ली। समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। विश्व चैंपियन कुश्ती के कांस्य पदक विजेता हिसार की अंतिम ने बजरंग पूनिया को लेकर बयान दिया। कहा, भैया को ट्रायल देकर कुश्ती में जाना चाहिए। पौड़ी जिले में नैनीडांडा ब्लॉक की विपाशा ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटा पिथौरागढ़ प्रशासन। सड़कों को चमकाने का काम शुरू हुआ। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैं रामवंशी हूं पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में कई अन्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। उज्जैन के शाजापुर जिला अस्पताल में शुरू हुई नई व्यवस्था। टोकन के जरिए मिलेगा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। केरल के त्रिशूर में 3 घायल अजगरों का रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। कनाडा के ब्रैम्पटन में भारतीय मूल के लोगों ने अपने घरों में गणपति की पूजा की। महिला बच्चों ने मिलकर बप्पा की पूजा की, साथ ही साथ आरती भी की। वडोदरा में स्वदेशी अपनाओं की थीम पर बनी बप्पा की मूर्ति। मिट्टी के दीयों का बेस बनाकर रखी गई बप्पा की मूर्ति। हैदराबाद में संक्रांति की थीम पर बना गणेश पंडाल। प्रज्ञान रोवर पर स्थापित किए गए बप्पा। सूरत में भव्यता से सजाया गया बप्पा का पंडाल। सोने चांदी और हीरो से सजाए गए भगवान गणपति। जयपुर में रामड़ा राजपूत समाज ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली ने 105वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया गया। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लेबैक सिंगर प्रणम पटनायक से मुलाकात की। बीमार चल रहे सिंगर का हालचाल जाना। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भगवान गणेश के दर्शन के विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। शिमला में आयोजित होने वाले कुल्लू दशहरा फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुंबई में पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधर ने अपनी बायोपिक फिल्म 800 पर खुशी जताई। खिलाड़ियों के साथ बारिश में खेला क्रिकेट। शिमला में सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन को लागू किया गया। एक कार्टन में होंगे 24 किलो सेब। पटना में राबड़ी देवी से उनके निवास पर सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। आरजेडी दफ्तर का भी सीएम नीतीश ने दौरा किया। अमेरिका व कनाडा की शांति सद्भावना यात्रा पर जाएंगे जैन आचार्य लोकेश जी। कहा, कनाडा सरकार अपनी धरती पर अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाए। सूरत की डायमंड मार्केट में लोगों को सड़क पर बिखरे पड़े मिले डायमंड। लोगों का डायमंड बीनने का वीडियो सामने आया। अंबाला समेत पूरे हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। मंडी प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। धनबाद में हिंदी साहित्य विकास परिषद के कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने शिरकत की। कुमार विश्वास ने अपनी शायरी और कविताओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया। बिहार के जमुई में बारिश के कारण बरनाड़ पुलिया क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। दिल्ली में बारिश के चलते मंगलम के पास NH24 पर भरा पानी, पैदल चलना मुश्किल हुआ। मध्यप्रदेश के बैतूल में अचानक बाढ़ आने से 2 युवक नदी के बीच टापू पर फंसे। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद जान बचाई गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में भारी बारिश के चलते बाजार में पानी भरा। सड़क पर दिख रहा नदी जैसा नजारा। घाटी में पर्यटन से अच्छी खबर, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए श्रीनगर बन रही लोगों की पसंद।